आदित्य एक अमरीकी परिवार से है। अपने जीवन में पहले महीने की तनख्वाह मिलने के बाद अपने पिता को फोन किया। हेलो पिताजी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम ठीक हो ना? शरीर अच्छा है? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं भी ठीक हूँ। पापा एक नंबर लिखें। हाँ बताओ बेटा, क्या नंबर है? मुझे आज सैलरी मिल गई, कुल 1,00,000 रुपए। ये तो बहुत अच्छा समाचार है, सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? पापा आपने कहा था ना कि पिता का कर्ज कभी नहीं चुकाया जाता। क्या आप जानते हैं कि आपने 25 साल में मुझ पर कितना पैसा खर्च किया है? मैं इसे अगले 2 साल में आपको वापस कर दूंगा। मेरे यहाँ का 1 रुपए आपके वहाँ 60 रुपए के बराबर है। क्या आप एक कहानी सुनना चाहेंगे बेटा? लड़का थोड़ा तैयार नहीं था, फिर कहा हाँ पापा सुनाइए ना। पापा ने कहा, जब तुम 4 साल के थे तब मेरी तनख्वाह 3,000 रुपए थी, परिवार के लिए 1,200 रुपए और 1,800 रुपए में एक घर किराए पर लिया था। फिर भी मैं अपने से जितना हो सके सब कुछ किया करता था। तेरी बाँ को हमेशा खुश करने की कोशिश की है। जिस समय मैंने तुम्हें स्कूल में भर्ती कराया, पहले साल किराए पर हमने अपनी शादी का एनिवर्सरी डे नहीं मनाया था। मैं उस साल शादी के दिन तुम्हारी माँ को कुछ नहीं दे सका। जब तुम कॉलेज में थे तब हमारे हालात थोड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे लिए वो समय बहुत मुश्किल भरा था जब मेरा हैदराबाद ट्रांसफर हो गया। सिकंदराबाद से हैदराबाद तक रोज बस से आना जाना मेरे लिए बहुत खर्चा हो गया था। शोरूम पर एक दिन मैंने एक बाइक देखी और उस रात मैंने एक सपना भी देखा कि मैं उस बाइक से अपने ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन अगले दिन तुम बोले, सिकंदराबाद से हैदराबाद विश्वविद्यालय जाने में तुमको परेशानी हो रही है और तेरा दर्द ही मेरा दर्द है बेटा। मैंने तुम्हारे लिए वो बाइक खरीदी। मेरे 100 रुपए अब 1 रुपए के बराबर नहीं है, लेकिन याद रखो कि इस 1 रुपए में तुमने तुम्हारे दोस्तों के साथ पार्टीज की थी। ब्रांड न्यू मोबाइल पर हेडफोन्स पर तुम पूरी रात संगीत सुनते रहते थे। पिकनिक की, पार्टीज की, कॉन्सर्ट्स देखे, कार्यक्रम किए। तुम समझ सकते हो, तुम्हारा हर दिन एक सपना जैसा था। और तुम्हें एक सपना जैसा दिन देने के लिए मैंने अपने सारे सपनों को त्याग कर दिया। घूमते हुए अपने जूतों के तलवों को मिटाया है और अब तुम्हारे 100 रुपए से ही मैं डायबिटीज की जांच कर रहा हूँ। तुम्हें पता है डॉक्टर्स मुझे मछली या मांस खाने से मना कर रहे हैं। मैं उस रुपए का कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता, तो मैंने अगर तुम्हारे पैसे ले भी लिए तो उससे मैं कल्पना की टोपी लगा लेता हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक बाइक पर बैठकर सारे शहर का चक्कर मार रहा हूँ। मैं दोस्तों के साथ फिल्में देखने जाता हूँ। तुम्हारी माँ का हाथ थामे विशाखापट्टनम बीच पर घूम आता हूँ। पिता कंजूस होता है, मैं भी अपने पिता के बारे में ऐसा ही सोचता था। पुरुषों से लेकर पिता होने तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तुम्हारी माँ ने सब कष्ट सहे, लेकिन पिता से विश्वास करो, एक जिम्मेदार पिता होने की परेशानी सिर्फ एक पिता ही समझ सकता है। फोन के उस तरफ से लड़के ने कहा, पापा प्लीज चुप रहो, नहीं तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। पैसा नहीं, मैं तुम्हारा प्यार वापस दूंगा। पिताजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे नहीं मेरे नादान बेटे, कभी पिता का प्यार कोई वापस नहीं कर सकता। छोटे बच्चे के मलमूत्र को भी मिटाया जा सकता है, लेकिन वृद्ध के घर कोई प्रवेश नहीं किया जा सकता है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ बेटा, मान लो तुम, मैं और तुम्हारा बच्चा तीनों कोई खतरे में है, तुम किसी एक को ही बचा सकते हो, बताओ किसे बचाना है? लड़का 1,000 बार कोशिश करने के बाद भी एक लफ्ज नहीं बोल सका। पिताजी फिर थोड़ा हंसे और कहा, झूठे उत्तर का साथ मत रहो, मुझे मालूम है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है बेटा। दुनिया के सभी पिता पहले अपने बेटे को ही बचाएंगे, क्योंकि लड़का भविष्य में पिता बनता है, लेकिन पिता कभी वापस बेटा नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी चीज, पिता के कंधे पर बेटे का शव। मुझे विधाता से बस एक चीज चाहिए, मेरी अंतिम यात्रा में मुझे अपने लड़के के कंधे पर शमशान जाना है, तब तुम मेरा एक कर्ज चुका पाओगे, तुम्हें बचपन से अपनी बाहों में ले जाने का कर्ज। पूरी दुनिया में सम्मान और प्यार हर उस पिता को जो अपने सपनों को छोड़ देते हैं हमारे सपनों के लिए।